ये एक विटामिन सी का टैबलेट है, डॉक्टर ने दिया है मेरी छोटी बेटी को, इंस्टेंट बूस्टअप। वो थोड़ा वीकनेस था उसको, तो डॉक्टर ने दिया है मल्टी वाइटमिन्स और ये सी, विटामिन सी। तो ये मेरा जो नेल है ना, ये कट हो गया सब्जियां काटते टाइम, तो आज तो एक के बाद एक ये हो रहा है। तो ये शुगर फ्री है, ऐसे डिब्बे में एक ये आया है। ग्लास में डाल के ऑरेंज जैसे रसना या ग्लूकोन डी ऐसे रहता है ना, ये डिस्पर्स होता है। और ये कॉटन रख के, ये ऐसे इसका कैप है, मैं दूंगी उसको अभी। पी लिया, और इनो जैसे थोड़ा थोड़ा लग रहा था, पर फ्लेवर ऑरेंज है। और कुछ मल्टीविटामिन से वो ले रही है जैसे चल रहा है। और ये कपड़े कुछ है और कुछ मैं लेके गई, कुछ क्या बहुत सारा। और ये यूनिफॉर्म सब है, ये लेके जाऊंगी। मास्क सब धो के रखा है, ये कुछ कपड़े हैं ये लेके जाऊंगी। तो आज क्लाइमेट कुछ ऐसा है, शायद कभी भी बारिश आ सकता है ऐसा लग रहा है। पूरा ब्लैक होके रखा है स्काई। जल्दी से लेके जाऊंगी, 2 दिन हो गए सूखते हुए। ये तो डेली धोना पड़ता है, पर बाकी सारा जो कपड़ा 2 दिन लगता है अभी सूखने के लिए। पार्सल आया है, पात्र जी अनपैक कर रहे हैं। मॉनसून सीजन में जिसकी जरूरत है वो चीज है, घर में है 2-3, पर और एक की जरूरत थी तो ऑर्डर किया था, वो आया है। गिफ्ट रैप करके भेजा है, बॉटल अम्ब्रेला, एक बॉटल जैसे है इसका कैप ऐसे है। मसाले गिर गए हैं इसमें, मसाले डालने में, तो मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन से क्लीन है, क्लीन हो रही हूँ इसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। जीरा, जीरा, सरसों, पंचफोरन, ये काली मिर्च के पाउडर और ये चिली पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च है ना वो। ये ब्रिंजॉल, ये जो है ना बैंगन, इसको स्लाइसेस में इसे राउंड में काट के रखा है, इसका मैं फ्राई करूंगी। तो ये सब मसाले रेडी कर रही हूँ, लाल मिर्च भी खत्म हो गया है तो ये मैं रख रही हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्च रखा है, ये लोकर का मैंने एक बार ऑर्डर किया था तो वो आया था इसके साथ ही, उसके साथ ही फ्री आया था। वेफर्स है, चॉकलेट वेफर्स, चिली पाउडर भी हो गया है। फुल हो गया, अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इस प्लेट में पहले मैं हल्दी और ये चिली पाउडर, थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च और ये नमक डाल के अच्छे से एक मिला देंगे। बेसन वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, ऐसे मिला के रेडी करके रख रही हूँ। वो बैंगन जो है ना स्लाइसेस, इसको ऐसे लपेट के डालना, बस फ्राई करना है। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है ऑलरेडी, और नमक इसमें भी डाल दूंगी थोड़ा सा।
से टॉस करके मिक्स कर देंगे, फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो मिक्सिंग है उसके बाद इसमें मिक्स करके डालेंगे। थोड़ा समय पानी डाल के तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मस्टर्ड ऑयल, और ये मैंने कुछ मिला के रख दिया है मसाले, मिक्स करके रैप करके एक एक करके डालेंगे। दो लॉट मैंने निकाल दिया है, लास्ट है। आज मैंने ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, ये वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं था घर पे, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्डर किया है, इसमें है, मैं बैग में बता देती हूँ। ये लेडीज फिंगर है, भिंडी, अच्छा तो लग रहा है, पैकिंग भी अच्छा है, इसमें डेट ऑफ पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट सब लिखा है। ये मैंने 4 किया था ऑर्डर, मुझे याद नहीं, तो 1 किलो हो गया भिंडी। ये करेला किया था पर ये थोड़ा ये आ गया, मौसम्बी, ब्रोकली है। रेट अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं बता दूँगी। एक लॉन्ग फार्म बीन से लॉन्ग वाला, ये बैंगन तो मिलता है, ये मैंने लेके आ गई। ये मैंने 1 किलो का ऑर्डर किया था, ये एक है लंच, और ये एक पपाया है, ये टाइम लगेगा इसको पकने में, और ये ड्रम स्टिक है, एक लौकी, कपूर वाला ये लक्की जो बनाना है ना ये है, और ये 3 टाइप्स का ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड, ये मिल्क ब्रेड, और ये होल व्हीट ब्रेड, और ये पालक है, खीरा, आलू, प्याज और कैबेज, और एक रॉ पपाया। फ्रिज में कुछ भी नहीं खाली है, मैं इसको रख दूंगी। ये पनीर की एक भुर्जी बना रही हूँ, तो जीरा डाल का तड़का देके ऑनियन डाल दिया है, और ये राइस उबल रहा है, और यहाँ पे मैं कुछ तैयारियाँ करके रखी हूँ। ये बैंगन एक ऐसे ड्राई हो गया है, तो ये मैं लोबिया थोड़ा सा मैंने बॉईल करके रखा है, इसका एक सब्जी बनाऊँगी, और ये पनीर की भुर्जी, तो ये थोड़ा मेसी होके रखा है, मैं एक सब्जी काट काट के मैं डालूँगी। नीचे गई थी एज सब्जी डे था ना, वेजिटेबल डे, और ये मैं लेके आई थी क्रैनबेरी ड्राइड, एक ड्राई फ्रूट है, मैं दिखाऊंगी जब खोलूंगी, और ये वाला ये था, मैं स्मूदी बनाऊंगी, तो इसके लिए ये वाला डेसी था, तो ये कुछ ऑरेंज कलर का, ये लाइट ब्राउन है ना, वो लेके आई हूँ, और ये धो दिया है मैंने, तो ये है गीला है, ये काओ घी है अमूल का, 500 grams लीटर्स। लेट हो गया है और मेरी स्कूल से आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, और मेरे लिए मैंने आज अपने लिए वेजिटेबल ओट्स बनाया था, तो मैंने खाया है और फ्रूट्स भी खाया है। वेट लॉस जर्नी में थोड़ा ये फ्री तो लग रहा है, पर देखते हैं कितना दिन हो सकता है, थोड़ा सा बस लाइट टायर्डनेस है, काम रहता है ना। अदरक लहसुन भी मैंने कूट के रखा है, ये थोड़ा सा डालूंगी, फिर ये सारा सब्जी मैंने काट के रखा है, ये ब्रोकली, आलू और गाजर, ये सब डालूंगी। आलू नहीं डाला है, सिर्फ गाजर और ये ब्रोकली है ना वो ही डाला, ये थोड़ी देर फ्राई होगा फिर सारे मसाले डालेंगे।
इसमें हम अभी नमक डाल देंगे और बाकी सारे मसाले भी डाल देंगे। ये थोड़ी देर और हो जाएगा तब हम ये पनीर, मैंने ये घर पे ये बनाया था तो इसे रखा है, ये बहुत सॉफ्ट है तो ये डायरेक्ट लास्ट में एंड में डाल दूँगी और इसको भी ढक देंगे। ये मैंने थोड़े से पालक ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो इस कवर में ऐसे आया है, क्लीन करके दिया है, अच्छा लगा। और इसको मैं आराम से थोड़ा ये बॉयल करने के लिए, सूप करने के लिए रख दूँगी। और बाकी ये बहुत ही थोड़ा सा है, 35 रुपीज़ है 100 ग्राम्स। सब निकाल दिया, इसका स्टेम वगैरह सिर्फ इतना ही है तो 35 रुपीज़ का है। ये बहुत महंगा पड़ा पर काम कम हो गया मेरा। इतना मैं रख दूँगी सूप बनाने के लिए और इतना मैं पनीर की भुर्जी जो बनाऊँगी ना उसमें डाल दूँगी, अच्छे से धो के रख दूँगी। बाकी अभी ये जो है ना लोबिया, इसकी सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी कुकर में। टमाटर भी मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, टमाटर डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। और ये एक बोल भर के पालक है, ये भी अभी डाल दूँगी। इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जीरा और हींग का तड़का देके प्याज डाल दिया है, प्याज भुन भी गया है। और ये मैं फिर अदरक लहसुन का ये जो कूट के रखा था दरदरा ये डाल दूँगी। उसमें टमाटर पक रहा है और ये पालक ऐसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा ही तेल डाला था। और कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, मैंने तो मस्टर्ड ऑयल लिया था। और ये बन गया है, मैं अभी ये पनीर डाल दूँगी। अच्छा दिख रहा है ना, ये मेरा वाला ही वर्जन है, आप चाहे तो अच्छा लगा है तो इससे इन्फ्लुएंस होके या इस तरह बना सकते हैं पालक पनीर की भुर्जी विद वेजिटेबल्स, लोडेड विद वेजिटेबल्स। इसमें लास्ट में ना थोड़ा सा गरम मसाला ही डालेंगे, बस उतना ही गरम मसाला थोड़ा सा डाला है लास्ट में। सब्जियों का क्रंच जो है ना वो रहने देंगे, तो फ्लेम हाई है, मैं थोड़ा सा बस ऐसे सब मिक्स कर दूँगी फिर गैस ऑफ कर दें। ये बन गया है हमारा पनीर भुर्जी विद पालक और एंड वेजीज ओवरलोडेड। तो इसका मैं अभी देख लेती हूँ, इसका ऑफ कर दूंगी फ्लेम। थोड़ा सा ये टमाटर और मशरूम होगा, इसमें मैं थोड़े से ड्राई मसाले जो हैं वो डाल देती हूँ अभी, हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, इसे काली मिर्च और ये धनिया पाउडर जो है ना हाफ के जी तक है, मैंने रात में बनाया था घर पे ही, धनिया लेके आई थी साबुत वाला, तो ये और ये जीरा पाउडर ये जाएगा। को छोटा छोटा डाल दे दी पर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं जल्दी में ऐसे मैंने लंबे लंबे काट दिए थे, पर अब छोटा छोटा करके डालेगा तो जल्दी से बन जाएगा। इसमें ना मैं थोड़े से ये लोबिया डाल दूंगी और ऐसे स्प्राउट या बॉयल्ड जैसे ऐसे इसमें सलाद बना के कुकुम्बर और ऑनियन टमाटर डाल के खा सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है और ये सब्जी भी अभी डाल देंगे, आलू और बैंगन। इसमें हम अभी नमक डाल देंगे और गरम मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है करके ही मसाले है ना, तो फ्लेवरफुल होगा। हाफ कप तक पानी डाला है, अब हम एक विसल दे देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है,
तेल में, तो ये सूप बनेगा। इसमें मैंने ब्रोकली, कैरेट सिर्फ डाला है और पालक जाएगा, इतना ही है वेजिटेबल्स में। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फिर मैं हम पालक डाल के पानी डालेंगे। थोड़ा सा सॉटे हो गया है, अब हम इसमें नमक और कुछ मसाले डालेंगे। नमक भी डाल दिया है, ये थोड़ा मतलब लोअर साइड ही रखा है सॉल्ट, और ये काली मिर्च की पाउडर, इतना ही जाएगा मसालों में। ये जैसे वेट लॉस सूप है ना, ये वाला सूप तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके हेल्थ को। ये आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं डायरेक्ट, एक विसल दे देने से काम हो जाएगा, पर मैं ऐसे ही कढ़ाई में बना रही हूँ। अब ये थोड़ा सा सॉटे हो गया है, ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं पानी डाल दूँगी अभी। इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे, तब हम चेक करेंगे। और ये सूप ऐसे बॉयल हो गया है, ये कैरेट तो मेन चीज़ है, बाकी कुछ भी बॉयल होने के लिए टाइम नहीं लगता है। ये बन गया है, मैं इसे निकाल दूँगी, सर्व करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। और ये मेरा वेजिटेबल सूप रेडी है, वेट लॉस सूप भी बोल सकते हैं। ये कैरेट, ब्रोकली और ये स्पिनच, पालक, ये है, ये मैं पीऊँगी। और इसके साथ ये सुबह का था, मैंने बनाया था ये जो ब्रोकली और कैरेट और पालक की भुजिया, आलू किसी में भी नहीं है और कुछ भी मसाले नहीं है। इसमें हल्दी, काली मिर्च और चिली पाउडर थोड़ा सा है, और इसमें भी हल्दी वगैरह कुछ मसाले नहीं है, सिर्फ यही है वेजिटेबल्स, थोड़ी सी काली मिर्च और ये, इतना ही। इसके साथ कुछ फुल्का रोटी वगैरह खा सकते हैं, पर मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही इतना ही खा लूँगी।